हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बहुत सर पर। गाइस फटाफट लाइव आ जाए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है और ये क्लास निश्चित तौर पे टीजीटी पीजीटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आने वाला एग्जाम एलटी ग्रेड जीआईसी सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और आज की जो क्लास है मेनली टीजीटी को टारगेटेड की गई है। आज की जो क्वेश्चन है, जो एमसीक्यूज है गाइस, वो मेनली टीजीटी को फोकस्ड करके बनाए गए हैं, राइट। तो पूरे जस्ट एंड जील के साथ, पूरे परसिवरेंस के साथ गाइस आप सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार क्लास होने जा रही है और बहुत मजा आने वाली है। यस, एक बार मैं देख लेता हूँ। गुड इवनिंग ऋतिक पाल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जरा मैं शेयर भी कर देता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं। और आप लोग भी बेटा शेयर करते हो। और आज बहुत बड़ी न्यूज है आप सभी के लिए, गिफ्ट है, खुशखबरी है। और आपको पता ही, जब मैं खुशखबरी या कोई गिफ्ट आपको देता हूँ तो कुछ ना कुछ फायदा आपका होता ही होता है। यस, लगभग बच्चों को मैंने शेयर कर दिया है, आप भी बेटा शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू, थैंक यू। यस, लगभग बच्चों को शेयर कर दिया गया सेशन। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप टीजीटी पीजीटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9616947257 पर मैसेज करके भेज दें। चाहे एलटी ग्रेड हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, द्रोणा बैच हो, सभी पर अभी 60% का डिस्काउंट है, आप जुड़ सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बेटा, लगभग बच्चों को मैंने शेयर कर दिया है, तो डिस्काउंट याद रखिएगा 60% का। इसके साथ ही साथ पीजीटी और टीजीटी, पीजीटी और टीजीटी का अलग से प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट हो गया है। प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट हो गया है जिसमें आप लोगों को जो क्लासेस मिलेंगी वो 25 सितंबर से मिलेंगी। याद रखिएगा, 25 सितंबर से नया केवल केवल प्रैक्टिस बैच। कई बच्चे मुझे 1 से 1.5 महीने से मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर कोई प्रैक्टिस बैच नहीं है। तो केवल एमसीक्यूज का विद एक्सप्लेनेशन गाइस पीडीएफ भी उसमें मिलेगा। जो टीजीटी पीडी का प्रैक्टिस बैच है उसमें आप जुड़ सकते हैं बहुत ही मिनिमम फीस के साथ, राइट। बाकी तो बैचेस चल ही रहे हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। हाँ, लगभग बच्चों को मैंने शेयर कर दिया, फटाफट लाइव आ जाए। थैंक यू वेरी मच। और जो खुशखबरी है वो क्या है अभी आपको पता चलेगा। ऑफिशियल नंबर 9616947257 यही है, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया गई तो यू मस्ट ज्वाइन दिस चैनल गई, क्योंकि जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, सबके लिंक्स मैं इसी टेलीग्राम चैनल में डालता हूँ। यस यस यस, फटाफट आ जाए, लाइव होने जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो खुशखबरी है वो ये है, वोकैबुलरी की अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एज आई प्रॉमिस्ड यू कि वोकैबुलरी के अल्फाबेट वाइज सेशन सारे फ्री मिलेंगे। तो अभी ए अल्फाबेट मैंने स्टार्ट किया, इसका पीडीएफ मैं इंग्लिश बाय उदय सर जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल देता हूँ। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, आप जुड़ सकते हैं। और ये किसके किसके लिए फायदेमंद है तो याद रखिएगा, याद रखिएगा डियर, टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड केवीएस एनबीए डी ट्रिपल एस बी सभी के लिए फायदेमंद है। तो ये चीजें आप सभी को ध्यान रखनी है। यस 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 यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो सभी लोग जुड़ जाएं। तो जिन बच्चों को फ्री वोकैबुलरी की क्लास अटेंड करनी है, फ्री वोकैबुलरी क्लास यूट्यूब पे आएगी, पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी, कोई इसका आपको चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी की टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। बाकी ग्रामर के जो अलग सेशन होंगे उसमें जो एंटोनिम सिनोनिम आते हैं वो तो प्रैक्टिस सेट मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। सीरीज नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर ये रही। पहला क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और थोड़ा सा मैं हिडन हो जाता हूं ताकि पूरी स्क्रीन पर कब्जा आप लोगों का हो जाए, ठीक है। चलिए फटाफट आ जाए, बीच बीच में आपके सामने भी आ जाऊंगा। यस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गाइस ये रहा, फटाफट आंसर देते हैं। टू हूम बोथ गोनरिल एंड रीगन अट्रैक्टेड, किसके प्रति गाइस, किसके प्रति गोनरिल और रीगन दोनों ही अट्रैक्टेड थी गाइस, बताएं किसके प्रति। तो आपने किंग लियर में, मैंने ये डिटेल्ड वे में पढ़ाया था, किंग लियर में एडमंड, देखिए आंसर आना शुरू हो गया है। रुचि चक्रवर्ती, थैंक यू, थैंक यू। बेटा आप लोग शेयर जरूर कर दें सेशन को, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सेशन को शेयर करना ना भूलें। और यकीन मानिए, जो आज की क्लास होने वाली है उसमें जो ग्रामर का लेवल है, जो लिटरेचर का लेवल है, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन बनाए गए, तो बहुत मजा आने वाली है पढ़ने में। तो बास्टर्ड सन ऑफ ग्लौसेस्टर, यस एडमंड, बिल्कुल एडमंड गई, बास्टर्ड सन था किसका, ग्लौसेस्टर का। और जो लेजिटमेट बेटा था वो कौन था, एडगर गाइस। तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल्ड वे में आपको पढ़ा रखी हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर, जितने बच्चों का सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली फाइन डियर। और सेशन को शेयर कर दें फटाफट, रेगुलर आपको माइंड ब्लोइंग क्लासेस मिलने वाली हैं, पूरे जेस्ट एंड जील और ऊर्जा के साथ मैं लगा हुआ हूं ताकि बेहतर से बेहतर आपको मटेरियल दे पाऊं। यस बेटा यस। चलिए एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों से और पूछना है, बिल्कुल, कि गोनरिल और रीगन में पहले डेथ किसकी हुई थी, इन दोनों में पहले कौन मरा था, ये आपको बताना है, इनबॉक्स में आप बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गाइस ये रहा, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आपको बताना है लाइन कहां से ली गई। आर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट चिल्ड्रन एंड सर्वेंट, गाइस आपको बताना है ये कौन कहता है,
ये कौन कहता है, फटाफट आंसर दे दें, इंपॉर्टेंट लाइन है। यस यस रीगन रीगन, देखिए काफी बच्चों के करेक्ट आंसर आना शुरू हो गए, थैंक यू। इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, आर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट चिल्ड्रन एंड सर्वेंट गाइस, हु सेज, मैकबेथ, किंग लियर या ओथेलो या हैमलेट, फटाफट आंसर दें। यस 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 प्रभात सोनकर, थैंक यू। ओके मेघाली मिश्रा का आंसर आ रहा है, रुचि चक्रवर्ती का भी आंसर आ रहा है, ठीक है काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, फाइन फाइन डियर फाइन। यस फटाफट रिप्लाई करें बेटा, फटाफट रिप्लाई दें। यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गीता भट्ट, गुड इवनिंग, कैसे हैं बेटा रुचि चक्रवर्ती, इंग्लिश गुरु राजीव। और बेटा इस समय जो समय चल रहा है लाइव क्लासेस तो होंगी ही होंगी, बीच बीच में मैं काफी कुछ रिकॉर्ड करके भी डालूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आप सभी तक पहुंचे। तुम्हारी पूजा का ए आंसर आ रहा है, चलिए आइए देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट लाइन से पहले मैंने एक्सप्लेन कर देता हूँ ये लाइन्स क्या क्या रही है। तो आर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट चिल्ड्रन एंड सर्वेंट, यानी मेरा जो कर्तव्य है वो तो आपके राज्य के प्रति है, आपके दरबार के प्रति है, बच्चों के प्रति है और नौकरों के प्रति है। तो मैकबेथ टू किंग डंकन, ये कौन कहता है, मैकबेथ, हु सेज, ए विल बी द राइट आंसर, मैकबेथ। मैकबेथ कहता है किससे, कहता है किंग डंकन से गई, तो गलत नहीं करना है, किंग डंकन इज द राइट आंसर, राइट। याद रखिएगा एक्ट वन सीन फोर, एक्ट वन सीन फोर में ये लाइन आती है। तो छोटी छोटी बातें प्रभात सोनकर सर, मैं आपसे एक बार बात करना चाहता हूँ, ठीक है बेटा इस क्लास के बाद आप मुझे कॉल करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है उसी पर कॉल करना है, ठीक है आपसे बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यस 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 ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ लगभग बच्चों का आंसर सही आ रहा है, तो मैकबेथ ये बात कहता है गाइस, कौन कहता है, मैकबेथ कहता है, मैकबेथ टू किंग डंकन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ। और जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज है विलियम शेक्सपियर की, एक एक कोड बेटा रट डालिए, एक एक कोड रट डालिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दिया गया है, ठीक है। तो अभी आप लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज ना करें कि सर बात करनी है नंबर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ग्रामर से रिलेटेड है गाइस, फटाफट आंसर दे दें। ऑल द डोर्स ओपनड होगा, ओपन इटसेल्फ होगा, ओपन देमसेल्फ होगा या नन ऑफ दीज, फटाफट आंसर दें क्या होगा, वेयर इज द ब्लडी आंसर गाइस, फटाफट आंसर दें। रुचि चक्रवर्ती क्लास के बाद बिल्कुल बिल्कुल दोबारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, रुचि बिल्कुल आप दिल से धन्यवाद ना दें, दोबारा मिल जाएगा, आप मुझे क्लास के बाद मैसेज कर दीजिएगा आपको दोबारा मिल जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके ओके ठीक है कंचन, ऑल द डोर्स ओपनड होगा, ओपन इटसेल्फ होगा, ओपन देमसेल्फ होगा, नन ऑफ दीज होगा, आंसर दें बेटा, आई एम वेटिंग। ए, काफी बच्चों का ए आंसर आ रहा है। तो देखिए जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था तो प्रोनाउन में मैंने आपको क्या बताया था, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताइए वो रूल मुझे बताइए, कम से कम पेड बैच के बच्चे तो ना ही गलत करें, पेड बैच के बच्चे तो बेटा ना ही गलत करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आज इतनी बफरिंग क्यों हो रही है आई डोंट नो। यस फटाफट रिप्लाई दें, एक मिनट बेटा मैं चेक कर लेता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ बेटा सब कुछ तो सही है, हाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, काफी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। यस बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई, लगभग बच्चों का आंसर सही है, लेकिन वो रूल मुझे बताइए मैंने आपको क्या बताया था, यही तो बेटा देखने वाली बात है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कीप हो गया, राइट, हाइड हो गया, ठीक है, टर्न हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है, रेस्ट हो गया, क्वालिफाई, क्वालिफाई हो गया डियर, मूव हो गया, ओपन हो गया, ओपन हो गया, राइट। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना चाहिए, जिनके बाद डियर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए बेटा सारे गलत हो गए, ए विल बी द राइट आंसर, ऑल द डोर्स ओपन, ऑल द डोर्स ओपन, बिल्कुल सही है। तो फिर से मैं बताया दे रहा हूँ, कीप हो गया, हाइड हो गया, टर्न हो गया, स्टॉप हो गया, रेस्ट हो गया, क्वालिफाई हो गया, मूव हो गया,
ओपन हो गया। इन सभी के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना चाहिए, ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। यस यस यस, तो इसमें डायरेक्ट ओपेंड आ जाएगा। एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना ही नहीं था, एक्स्ट्रा दिमाग डियर लगाना ही नहीं था। और आज बहुत मजेदार क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, सभी लोग फटाफट आ जाए और सेशन को फटाफट आप लोग लाइक कर लें। और फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बात कम काम ज्यादा। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देम वियरिंग शॉर्ट स्कर्ट एट द फंक्शन। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है गाइस। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। फटाफट आंसर दें। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देम वियरिंग शॉर्ट स्कर्ट एट द फंक्शन, फटाफट बताए। और देखिए यहां पर जो वियरिंग वर्ड आया है ना, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप मुझे बता दें। अगर आप इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता लेगा डियर, अगर आप इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फटाफट आंसर दें। ओके, तुम्हारी पूजा ठीक है, प्रियांशी, नीतू राणा, टू नहीं लगेगा, कुछ बच्चे बता रहे हैं। तो देखिए ऑल द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देम वियरिंग आया हुआ है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टू नहीं लगेगा। जीरन जीरन, कुछ बच्चे एडजेक्टिव, यार ये वियरिंग एडजेक्टिव है, कौन से नाउन के लिए आ रहा है? वियरिंग का मतलब है यहां पर पहनने के लिए, ये यहां जीरंड का काम कर रहा है डियर, जीरंड का काम कर रहा है, ये किसी नाउन के लिए नहीं आ रहा है बल्कि खुद नाउन है जीरंड, पहनने के लिए शॉर्ट स्कर्ट एट द फंक्शन में। तो पहनती हुई शॉर्ट स्कर्ट थोड़े ना है, पहनने के लिए, किसके लिए? शॉर्ट स्कर्ट के लिए। याद रखिएगा जीरंड है, जीरंड क्या होता है? एक नाउन होता है। और याद रखिएगा उस नाउन के पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। तो यहां देम नहीं होगा डियर, यहां देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां देयर हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है, राइट। आप कभी ये नहीं कहोगे आई लाइक योर कमिंग, आप कभी ये नहीं कह सकते हो किसी से आई लाइक यू कमिंग। आप कहोगे, क्या कहोगे बेटा अगर किसी से कहना हो? आप कहोगे योर कमिंग। क्या कहोगे? योर कमिंग। तो ध्यान से देखिएगा, कभी भी आई एन जी के पहले अगर प्रोनाउन आया हो तो 99% चांसेस होते हैं कि वो एडजेक्टिव में बदल जाता है, डेटरमिनर में बदल जाता है। तो योर क्या हो जाएगा? यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा। तो गलत नहीं करना था आपको, राइट। आई लाइक हिम डांसिंग होगा, बताइए। आई लाइक हिम डांसिंग आपको सही लग रहा है, या बेटा आई लाइक हिज डांसिंग आपको सही लग रहा है? आपको बेटा क्या सही लग रहा है? अगर आपको इन दोनों में अगर आप बता दीजिए कौन सा सही लग रहा है, तो आप कभी ये वाला क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस यू, कभी आपसे गलत नहीं होगा। ओके ओके ओके, हिज डांसिंग बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, हिज डांसिंग होगा बेटा। क्योंकि याद रखिएगा हिज हो गया, माई हो गया, योर हो गया, आर हो गया, देयर हो गया, ये सब डिटरमिनर एडजेक्टिव का काम करते हैं। इनके बाद सीधे आई एन जी आता है, आई एन जी आएगा और जीरन का काम करेगा, यानी नाउन का काम करेगा, और ये सारे एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो कैसे आप गलत कर सकते हैं डियर? ये तो गलत नहीं होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देयर वेयरिंग, उनका पहनना शॉर्ट स्कर्ट एट द फंक्शन, क्लियर है? ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है फिर भी गलत कर दिया, तो इसीलिए तो बेटा दोबारा करा रहे हैं, इसीलिए तो बेटा हर क्वेश्चन में 20 से 25 दिन में रिवीजन करा देता हूं। पहले बताइए सभी का क्लियर है कि नहीं, एक बार आप लोग ये लिख दीजिए कि सब क्लियर है। हाँ, एक बार जोरदार तरीके से सब लोग लाइक भी कर लीजिए। यस यस, एक बार जोरदार तरीके से लाइक तो बनता है, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव गॉन थ्रू ऑल द वर्ब्स ऑफ कालिदास। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और डी पार्ट है। इसके बाद लिटरेचर के कुछ शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर आपको ग्रामर के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यस, फटाफट रिप्लाई दें। वेटिंग वेटिंग डियर वेटिंग। देखिए टाइम लीजिए आप, 30 सेकंड का, एक मिनट का टाइम लीजिए, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। टाइम लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप टाइम ना लें, लेकिन बेटा गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा? यस, फटाफट रिप्लाई दें, फटाफट रिप्लाई दें। वेटिंग डियर वेटिंग। ओके ओके, आई हैव गॉन थ्रू ऑल द वर्क्स ऑफ कालिदास। किस पार्ट में एरर लग रही है आपको? ए, कुछ बच्चे ए पार्ट में बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी पार्ट में बता रहे हैं। तो एक बात ध्यान से आप लोग सुन लो, मैं जो बताने जा रहा हूँ बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, और आपके एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्क के दो मीनिंग होते हैं, वर्क के दो मीनिंग होते हैं। जब वर्क का मतलब क्या हो, मैंने नाउन में पेड बैच में बेसिक से ये चीज बताई थी। जब वर्क का मतलब बेटा लेबर होता है, परिश्रम होता है,
जब वर्क का मतलब लेबर या परिश्रम होता है, आप लेबर कह लो, ऑक्यूपेशन कह लो, या एम्प्लॉयमेंट कह लो, या डियर एम्प्लॉयमेंट कह लो, तो याद रखिएगा वर्क हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की तरह आता है। किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, यानी वर्क का केवल वर्क ही लिखा जाएगा। जैसे आप कहते नहीं हो वर्क इज वर्कशिप, क्या कहते हो? वर्क इज वर्कशिप आप कहते हो, वर्क इज वर्कशिप कहते हो, या हार्ड वर्क बियर फ्रूट कहते हो, राइट। लेकिन याद रखिएगा वर्क का अगर यूज, अगर वर्क की मीनिंग क्रिएशन के लिए है, अगर वर्क की मीनिंग क्रिएशन के लिए है, रचना के अर्थ में कोई क्रिएशन या रचना के अर्थ में वर्क का यूज होता है, तो याद रखिएगा ये काउंटेबल नाउन की तरह भी यूज होता है। काउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूज हो सकता है। जैसे मैं कहूं दिस इज अ वर्क ऑफ आर्ट, राइट, ये कला का वर्क है। या मैं कहूं आई हैव गॉन थ्रू ऑल द वर्क ऑफ कालिदास, यानी आई हैव गॉन थ्रू ऑल द वर्क का मतलब है क्रिएटिविटी। कालिदास की जितनी क्रिएटिविटी है, जितने वर्क है, यहाँ क्रिएशन की बात हो रही है, उनके वर्क यानी उनके क्रिएशन की बात हो रही है। तो बेटा इसमें नो एरर है, इसमें नो एरर है, क्या है इसमें? नो एरर, बिल्कुल, यस यस। यहाँ पर कालिदास के वर्क यानी जो परिश्रम है, लेबर की बात नहीं हो रही है, उनकी क्रिएटिविटी की बात हो रही है। यानी अगर आप कहें कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो विलियम शेक्सपियर ने क्या परिश्रम किया उसकी बात नहीं हो रही है, उनकी क्रिएटिविटी क्या है, उनके जो ट्रेजेडीज हैं, कॉमेडीज हैं, प्लेज हैं, उनकी बात हो रही है। क्लियर है डियर? तो ये कैसे आप गलत कर सकते थे? ये तो गलत नहीं होना चाहिए था ना डियर, ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए था। ओके सर, नाउ अंडरस्टैंड। फिर से मैं बता रहा हूं, वर्क का मतलब जब लेबर या परिश्रम होता है, वर्क इज वर्कशिप जैसे एग्जाम्पल है, तो ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन वर्क का मतलब बेटा जब क्रिएशन होता है, कोई रचना किसी की क्रिएटिविटी की जब आप बात करते हो, तो बेटा याद रखिएगा ये काउंटेबल नाउन की तरह भी यूज होता है। लेकिन जब ये लेबर एम्प्लॉयमेंट परिश्रम की तरह यूज होता है, जैसे मैं कहूँ हाउस वर्क है ना, वॉलंटरी वर्क, हिंदी वर्क, होम वर्क, होम वर्क कभी आपने नहीं सुना है, आपने सुना होगा होमवर्क, क्यों? क्योंकि होमवर्क दिया जाता था हम लोग को लेबर और परिश्रम करने के लिए, कि हम होमवर्क करने करके लाए। स्टोन वर्क, वुड वर्क, सोशल वर्क, सोशल वर्क आपने नहीं सुना होगा, सोशल वर्क, हाउस होल्ड वर्क। लेकिन याद रखिएगा क्रिएटिविटी अगर दिखानी हो तो बेटा आप वर्क लिख सकते हो। क्लियर है? हाँ, अभी सभी बच्चों का क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो इसमें नो एरर है बेटा, नो एरर, क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी की बात हुई है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें देखिए बड़ी फेमस पोयम है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये पोयम है, विलियम वर्डवर्थ की, बैलेड फॉर्म में है, और आपने डिटेल्ड वे में पढ़ रखा है। इसमें एक वर्ड आपको फिल करना है, पूरी तरह से अवेयर रहना है, गलत नहीं करना है डियर, पूरी तरह से हमें अवेयर रहना है। अवेयर रह के पढ़ाई करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, राइट। अमंग डैश सैंड्स अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। आपको बताना है इसमें क्या फिल करें, अरेबियन, मेडिटेरेनियन, इजिप्ट या नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर दे दें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही स्टाइल से मैंने पेपर आप सभी के लिए बनाया है। यस, फटाफट आंसर दें। ये देखिए लगभग बच्चों का प्रिया गुप्ता, कौशलेंद्र प्रताप, ठीक है, अरेबियन, अरेबियन आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ लाइंस ऐसी हैं आपने ऑलरेडी सुन रखी होंगी, यस यस। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड ऑफ ट्रेवलिंग इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड। तो यहाँ क्या आएगा? अरेबियन सैंड आएगा। अरेबियन सैंड अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। यानी अरब के रेगिस्तान में, जो अरब के रेगिस्तान होते हैं, जो सैंड्स है उसमें, जो हारे थके यात्री होते हैं, जो ट्रेवलर होते हैं, जो बहुत थक गए हैं, वो आराम करने के लिए छायादार जो वृक्ष होते हैं, छायादार अड्डों पर रुकते हैं, और वहीं पर आकर वो किसका गाना सुनते हैं? नाइटेंगल का गाना सुनते हैं। तो इस तरह का कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, नाइटेंगल अपने गाने को गाकर उन यात्रियों का स्वागत करती है, राइट। लेकिन उस नाइटेंगल की आवाज से भी जो यंग लड़की ने गाना गाया है, राइट, वो नाइटेंगल के गाने को भी फीका कर देती है, पीछे छोड़ देती है, राइट। और इतनी रोमांटिक आवाज तो कुकू बर्ड की भी नहीं है, इतनी रोमांटिक आवाज तो कुकू बर्ड का गाना सुनने पर भी इतनी रोमांटिक आवाज सुनाई नहीं देती है, राइट। तो याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, बसंत ऋतु में जो कुकू बर्ड गाती है उसकी भी आवाज इतनी रोमांटिक नहीं है। तो अरेबियन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ? अरेबियन सी हो जाएगा। गलत नहीं करना था, द सॉलिटरी रीपर गई, द सॉलिटरी रीपर की ये लाइन है, द सॉलिटरी रीपर, यस यस। 32 लाइंस की ये पोयम है, 4-8 लाइन स्टैंजा में इसको डिवाइड किया गया, 4-8 लाइन स्टैंजा में, और ये समय आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ।
1807 में इसको पब्लिश कराया गया, पोइट्री कलेक्शन पोएम्स में, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में गाइस। तो छोटी छोटी बातें आप सभी याद रखें। मेरा सही है, हाँ जितने बच्चों का सही है वो खुशियां मना सकते हैं, ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वैसे तो आपको ये लाइन आसान लग रही होगी लेकिन इसमें फिल करना है एक वर्ड। वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल व्हाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हार्मनी एंड द डीप डेप्थ ऑफ जॉय वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग। डीप और ऑफ जॉय के बीच में आपको बताना है क्या फील करें। थैंक यू ताहिरा खान, थैंक यू डियर, थैंक यू। चलिए फटाफट आंसर दें, फटाफट आंसर दें। और टीजीटी पीजीटी के लिए केवल प्रैक्टिस बैच बेटा 25 सितंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ। फीस मैं बताए दे रहा हूँ, बिल्कुल मिनिमम फीस 399। ये टीजीटी पीजीटी 399 में आप टीजीटी पीजीटी दोनों का प्रैक्टिस सेट विद पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, केवल प्रैक्टिस सेट। तो जितने बच्चों को इसका लाभ उठाना है, फीस बढ़े ना उसके पहले, फर्स्ट बैच है प्रैक्टिस बैच इस समय, तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर दें। ओके ओके, सेंस ऑफ, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है सेंस ऑफ, कुछ बच्चों का थॉट ऑफ। यही आपने प्रिपरेशन की, मतलब कई बार आपको रटा दिया जाता है, रटी हुई चीजें आप रट लेते हैं और एकदम से आपका माइंड घूम जाएगा इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। हो सकता है अगर मैंने पूछा होता है लाइन्स कहाँ से ली गई हैं तो 99% बच्चों का आंसर सही होता, लेकिन थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को घुमाया है और आप सब लोग घूम गए बेटा, राइट। तो वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल व्हाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हार्मनी एंड द डीप पावर ऑफ जॉय होगा यहाँ बेटा, क्या होगा? डीप पावर ऑफ जॉय, डीप पावर ऑफ जॉय होना चाहिए था। तो लगभग बच्चों का गलत आंसर आ रहा है और देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है कि टिंटन अबे बेटा इतनी बार आपको पढ़ाया गया फिर भी आप गलत कर रहे हो। डीप पावर ऑफ जॉय होगा, क्या होगा? डीप पावर ऑफ जॉय, वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग, मतलब ऐसा लगता है कि हमारी आंखें बंद है और हमारा शरीर क्या हो गया है, वो सो गया है, लेकिन हमारी आत्मा जाग गई है। हम इस दुनिया की वास्तविकता को आसानी से देख सकते हैं भले ही हमारी आंखें गहरी सोच डिवाइन पावर के कारण बंद हो गई हो, राइट। तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए था यार, पार होना चाहिए था, ना सेंस होगा ना थॉट होगा ना इंसाइट होगा, राइट। देखिए ये होता है पेपर बनाने का लेवल, बिल्कुल किताबों से रटाना हो तो मैं रटा दूं, लेकिन पेपर बनाने का भी एक तरीका होता है कि मैं उसी टाइप का पेपर बना रहा हूँ जैसा एग्जामिनर का माइंड है, जैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, और पिछली बार की तरह इस बार भी आपको बहुत फायदा होने वाला है इस क्लास में। टीजीटी के लिए तो बहुत रामबाण क्लासेस मिलने वाली है, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सभी को बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए पार हो जाएगा, हाँ। तो जितने बच्चों ने गलत आंसर दिया है वो एक बार सोचिएगा बेटा कि इस तरह से गलत आंसर देंगे तो क्या होगा, आपको आगे जाके कॉलेज में पढ़ाना है बेटा। चलिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स रंग बाय स्वीट इन्फोर्समेंट एंड रिमेम्बरेंस डियर, आपको ये बताना है लाइन्स कहां से ली गई है, इंपॉर्टेंट लाइन है, फटाफट आंसर दें। यस काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, जल्दी जल्दी आंसर दें। ओके पुष्पा राजपूत, थैंक यू बेटा, अभी मैं दर्शन देने वाला हूं आप सभी को, बहुत मजा आएगी। आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं कि आज जब क्लास के बाद आप लेटने जाओगे या रात में पढ़ रहे होगे तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो नहीं गलत करना चाहिए, अब तो नहीं गलत करना चाहिए। जो बच्चे फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं वो इस क्लास को जरूर देखें, लास्ट तक देखें, क्वेश्चन का लेवल देखें बस। यस संतोष मधु, ठीक है, सी सबको मिलेगी, जो पेड बैच में भी देते हैं उनको तो प्रैक्टिस सेट मिल ही रहा है, नए बच्चों को जो केवल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। ओ गॉडेस हियर दिस ट्यूनलेस नंबर रंग, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी इसमें पोइट अपनी बिलेवेड के बारे में बता रहे हैं, वो डायरेक्ट अपनी बिलेवेड की बात ना करके उसको एक देवी कह के पुकार रहे हैं, यानी वो क्या कहते हैं, देवी कहकर पुकार रहे हैं अपनी बिलेवेड को, ओ गॉडेस अपनी बिलेवेड को बोल रहे हैं उन आवाजों को सुनो, हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स, उन आवाजों को सुनो यानी मेरी कविता को सुनो जिसके अंदर कोई टोन नहीं है, कोई ट्यून नहीं है, कोई टोन नहीं है, रंग बाय स्वीट इन्फोर्समेंट एंड रिमेम्बरेंस डियर, राइट। और जिसके अंदर बहुत ही सुंदर और एक सिस्टमैटिक वे में लयबद्ध पंक्तियां हैं जो कि मैंने तुम्हारी याद में लिखी हैं, तो आपको बताना है लाइन्स कहाँ से ली गई हैं। यही प्रिपरेशन चल रही है, पीजीटी के लिए रामबाण क्वेश्चन था फिर भी आपने गलत कर दिया, पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। ओड टू साइकी की लाइन है, ओपनिंग लाइन है, ओपनिंग लाइन है, पहली ही लाइन है गाइस, तो थोड़ा तो यार किताबें पलट के देख लिया करो, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ओड्स हैं जॉन कीट्स की उतनी तो देख लिया करो। तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम ओड टू साइकी
इस पोयम में कीट्स अपनी बिलवेड को गॉडेस बता रहे हैं। ठीक है, अब बताइए बेटा ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं आप लोग। ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यस 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 ओके ओके। ओड टू साइकी की इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गाइस आने वाला है, फटाफट आंसर दे। देखिए आप लोग इस तरह के क्वेश्चन ना गलत करें, बार बार मैं बोल रहा हूं आप सभी। हाँ जिनका सही था उनका सही है, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट आंसर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ माइल्ड फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन गाइस, फटाफट आंसर दें। यस आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। और आप चिंता ना करें, हम लोग आपके साथ हैं, यूट्यूब पे काफी अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं इस समय और सभी पूरे डेडिकेशन के साथ आपके लिए लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपका फायदा जरूर होने वाला है। कुछ लोग माना केवल लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, ग्रामर को बिल्कुल नहीं टच कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों नहीं टच कर रहे हैं। अगर उनको ये लग रहा है केवल लिटरेचर पढ़ाने सेलेक्शन हो जाएगा तो बहुत बहुत बड़ी गलती हो रही है। ग्रामर इस बार हिलाने वाली है, खासतौर से टीजीटी वालों को, तो अलर्ट रहिए ग्रामर को लेकर बेटा। बाकी पीजीटी में तो सभी एक जैसा ही पढ़ाते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ माइल्ड फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया होता, यही क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया होता, सरल शब्दों में कहें तो कठोर बात को कोमल तरीके से कहना, राइट। ब्लंट एक्सप्रेशन यानी माइल्ड, यानी कठोर बात को कोमल तरीके से कहना क्या कहलाता है? यूफेमिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूफेमिज्म। यस यस यूफेमिज्म इंपॉर्टेंट, ए विल बी द राइट आंसर। ओके यू कैन से यूफेमिज्म इज अ पोलाइट वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन दैट मे बी टू डायरेक्ट, अनप्लीजेंट और एम्बैरेसिंग, उसकी जगह पर आप प्यार से वो बात कह सकते हैं, राइट। इसके अलावा देखिए ट्रूइज्म एक वर्ड है, ट्रूइज्म का मतलब होता है जनरल टू सामान्य सत्य, और हाइम का मतलब पता ही है भजन, और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कलमनी, इंपॉर्टेंट वर्ड है कलमनी, का मतलब होता है किसी को बदनाम करने के लिए झूठा आरोप लगाना, एस्पर्सन कह सकते हैं, कलंक कह सकते हैं, यानी कलमनी को आप कह सकते हैं अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड अबाउट समबडी इन ऑर्डर टू डैमेज देयर रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए झूठा आरोप लगाने को कलमनी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है डियर। थैंक यू ओके। तो बेटा अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपके लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बताएं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जैसे आप जयपुर चले गए, दिल्ली चले गए, तो कुछ अट्रैक्शन का केंद्र आपको दिख गया तो उसे बोलते हैं, राइट, सेनेसियर बोलते हैं। वैसे बहुत लोग इसको साइनासोर बोलते हैं, लेकिन कहते हैं सेनेसियर या साइनासोर भी कहते हैं, कह सकते हैं आप। चलिए बी विल बी द राइट आंसर, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को हम साइनासोर बोलते हैं। यस बी विल बी द राइट आंसर, जितने बच्चों का आंसर बी आ रहा है एब्सोल्युटली फाइन फाइन डियर, माइंड ब्लोइंग साइनासोर। और आज लास्ट के जो फोर क्वेश्चन हैं, लास्ट के जो फोर एमसीक्यूज हैं, जिन बच्चों ने चारों सॉल्व कर दिए ना, उनको मैं ग्रामर के बारे में कभी कुछ नहीं कहूंगा, हाथ जोड़ लूंगा उनके आगे। चारों क्वेश्चन जो लास्ट के हैं ग्रामर के मामले में, और बड़े सिंपल तरीके के क्वेश्चन, अगर आपने चारों सॉल्व कर दिए तो आप ये समझ लीजिए बस ज्वाइनिंग लेटर की देरी है आपको मिलने की, ज्वाइनिंग लेटर मिलने ही वाला है। या हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, अ पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, मतलब जिस व्यक्ति का मानना है कि जीवन में सुख ही सबसे महत्वपूर्ण है उसे हेडोनिस्ट बोलते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट है डिबच, इंपॉर्टेंट वर्ड है डिबाच, डिबाच का मतलब होता है अय्याशी करना, बड़ा भ्रष्टाचार, राइट। और एपिक्योर इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु टेक्स पर्टिकुलर प्लेजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक, यानी खाने पीने का शौकीन, ठीक है, फाइन फाइन फूड एंड ड्रिंक, अ पर्सन हु टेक्स पर्टिकुलर प्लेजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक, यानी खाने पीने के शौकीन को एपिक्योर बोलते हैं। ओके डी विल बी द राइट आंसर, जितने बच्चों का डी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। यस मतलब आंसर तो इसमें आपका बी सही है, डी की जो मीनिंग बच्चे बता रहे हैं वो सही है, यस खाने पीने का शौकीन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं गाइस, इसमें भी आपको करेक्ट फिल करना है, तो इससे ये पता चलता है कि आप लिटरेचर में अलर्ट हो, इससे ये पता चलता है कि हाँ आप बहुत अलर्ट हो लिटरेचर में, राइट, आपका माइंड ओपन है, खुला हुआ है, बंद नहीं है।
रवि सिंह डी आंसर दे रहे हैं। ठीक है। नेहा चौहान, हेलो नेहा, हाउ आर यू? चलिए फटाफट रिप्लाई करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आपके पास 30 सेकंड का समय डी, 30 सेकंड का। प्रियांशी सिंह ठीक है, संजय अवस्थी ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बीना। पूनम प्रीति बी, बी काफी बच्चों का बी आंसर आ रहा है। और आइए देखते हैं कितने बच्चों ने मेरी उम्मीद को बनाए रखा है, यू फाइनल लिस्ट में अपना नाम दिखाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। एंड हार्क, राइट, एंड हार्क, हार्क का मतलब होता है सुनो, यानी सुनो मतलब सुनो सुनो कितनी खूबसूरती के साथ। ओ हो, आपने तो कर दिया है गड़बड़, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं क्या ही बताऊं आपको। सी विल बी द राइट आंसर, फ्रॉसल इज द राइट आंसर, फ्रॉसल होगा। गाइस ये लाइंस कहां से ली गई हैं, अगर इस वर्क का नाम आप जान जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। द टेबल टर्न की लाइन है। क्या कर रहे हैं आज आप लोग, मतलब लिटरेचर में जिनको अपने ऊपर घमंड है वो देख लें आज। कि आज ऐसा होता था कि हमेशा 90% बच्चे सही होते थे, आज 90% बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं आज? द टेबल्स टर्न की ये लाइन है, अब बताएं, राइट? ये मैंने डिटेल्ड वे में पढ़ाया है। एंड हाक, हाउ ब्लिथ द, हाउ ब्लिथ द, अरे सुनो मतलब सुनो यानी सुनो कितनी खूबसूरती से गाती है वो। थ्रोशल, थ्रोशल होगा डियर, यहाँ थ्रोशल होगा। ओके, ये मैंने पढ़ाया है आपको, थ्रोशल सिंह, राइट। पोइट यहाँ थ्रोशल के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी एक बर्ड होती है। तो पोइट कह रहे हैं उसका भी गाना कितना मीठा है, सुनो कितनी खूबसूरती से गाती है। ही टू इज नो मीन प्रेचर, राइट। यहाँ पोइट थ्रोशल बर्ड की क्वालिटी बताते हुए कहते हैं कि वो किसी भी प्रीचर से कम नहीं है, किसी उपदेश देने वाले से कम नहीं है। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर, यानी बाहर आओ दोस्तों, बाहर आओ, मटेरियलिस्टिक लाइफ से बाहर आओ, दुनिया में आ जाओ, वास्तविक दुनिया में आ जाओ। तुम्हारे आस पास जो चीजें हैं मटेरियलिस्टिक चीजें उन्हें छोड़ो, ऐसी दुनिया में आओ यानी नेचर को महसूस करने वाली दुनिया में आओ। वास्तव में नेचर ही सुपीरियर है, वही ट्रुथ है, वही तुम्हारी टीचर है। लेट नेचर बी योर टीचर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और नेचर यानी प्रकृति को तुम अपना टीचर बनने दो, यानी नेचर तुम्हें वास्तव में रियल टाइप की मीनिंग बताएगी जो कोई नहीं बता सकता, वो तुम्हें नेचर बताएगी कि जीवन की गहराई के बारे में। इस लाइन का कहने का मतलब है कि नेचर जो तुम्हें सिखा देगी वो दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी बुक नहीं सिखा सकती है। तो गाइज यहाँ थ्रोशल की बात हुई है, और जिन बच्चों ने गलत किया है उनके लिए मेरे मन में सहानुभूति है, लेकिन आप अपने आप को एक बार रीचेक करिएगा कि किस तरह से आप बुक मार्केट से खरीद के रटे हुए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने टीजीटी और पीजीटी का प्रैक्टिस बैच बना दिया है, केवल प्रैक्टिस बैच, लगभग 40 से 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, राइट, लाइव कराएंगे, आपको इसका पीडीएफ भी देंगे, और मात्र फीस है 399, दोनों टीजीटी पीजीटी दोनों की मिला के 399। तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करें और काफी बेहतर आपको मिलेगा, ठीक है। थ्रोशल इज द राइट आंसर, ओके ओके ओके, थ्रोशल बर्ड की बात हुई है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली। और लास्ट के मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, और लास्ट के 4 MCQ जो ग्रामर के हैं जो बता ले गया, मैं पर्सनली उनके बारे में यूट्यूब पर आकर वीडियो बनाऊंगा, राइट, क्योंकि मुझे पता है ना कि क्या लेवल ग्रामर का होने वाला है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तो यूट्यूबर्स, जितने यूट्यूबर्स, सब कुछ ना कुछ पढ़ाने लगते हैं, बच्चे सबको देखने लगते हैं। तो बच्चों इस समय सिर्फ किताब को देखो और किसी एक दो टीचर को फॉलो करो, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है लोगों को, अपने ऊपर विश्वास रखिए। फटाफट आंसर दें, यस जल्दी जल्दी आंसर दें, क्या होने वाला है डी, यस यस, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, डी आंसर आ रहा है, यस यस यस। और आज एक दो क्वेश्चन तो आपको दिल को छू लेने वाले कराएंगे, वोकैबुलरी से रिलेटेड है जो कि सेंटेंस में है, बताएं फटाफट। ओके ओके, लगभग बच्चों का इस बार, लगभग बच्चों का आंसर सही आ रहा है, इस बार बच्चों ने इज्जत को मेंटेन किया है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। द डैश बिसाइड देम डांस, आपका समय खत्म होने वाला है, समय आपका समाप्त हो गया है बेटा, बिल्कुल समय समाप्त हो गया है, यस थैंक यू, लगभग बच्चों का सही आंसर आ रहा है, थैंक यू इंग्लिश गुरु, डी 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 डी, ठीक है। द वेव्स हो जाएगा, द वेव्स हो जाएगा, द वेव्स बिसाइड देम डांस, बता दीजिए कहां से लाइन दी गई है, राइट, ओके। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, कहने का मतलब है जो डेफोडिल्स के पास जो झील थी वहां की जो लहरें थी, वो जो लहरें थी वो भी नाच रही थी। तो मैंने नाम तो आपको बता ही दिया, यस यस,
बट दे आउटडिड द स्पार्किंग बेवरिंगली। लहरें नाच रही थी लेकिन इतना बढ़िया नहीं नाच रही थी जितना बढ़िया डेफोडिल्स के फूल नाच रहे थे। पोइट क्या कह रहे हैं कि जितना बढ़िया डेफोडिल्स जो उन्होंने देखा बगीचा गार्डन उसमें जो डेफोडिल्स के फूल नाच रहे थे इतना बढ़िया लहरें नहीं नाच रही थी। तो दोस्तों यहाँ पोइट कहना चाह रहे हैं कि लहरें और डेफोडिल्स दोनों नाच रहे थे लेकिन मुझे डेफोडिल्स लहरों से ज्यादा पसंद आए। आउटडिड का मतलब होता है बढ़िया, आउटडिड का मतलब क्या है बढ़िया बेहतर होना। ग्ली का मतलब होता है आनंद, ग्ली का मतलब होता है एंजॉयमेंट या आनंद, राइट। कहने का मतलब है कि फूल ज्यादा खुश थे, फूल ज्यादा अच्छी तरह डांस कर रहे थे लहरों के मुकाबले। या डी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी लाइन फ्रॉम योर लाइन, कहां से ले गई? फटाफट आंसर दे दें और फिर मैं आपके सामने आने जा रहा हूं, जल्दी जल्दी बताएं। यस 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 यस, थैंक यू। ओके ओके ओके, बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी, द टेबल्स टर्न, हैमलेट, मैकबेथ या नन ऑफ दीज? यस ठीक है, ओके। ए काफी बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, अच्छा ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, द टेबल टर्न, हैमलेट, मैकबेथ या नन ऑफ दीज? बस यही आपकी प्रिपरेशन चल रही है लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में क्या आपने आंसर दिया है यार? द रेनबो की लाइन है, आप बता रहे हो टेबल टर्न की लाइन है, ये लाइन है द रेनबो जिसे आप कहते हो माई हार्ट लीप्स अप, राइट। माई हार्ट लीप्स अप, माई हार्ट लीप अप इज ऑल्सो नोन एज द रेनबो। वर्ड्सवर्थ रोट माई हार्ट लीप अप ऑन मार्च 26, 1802। 1802 में उन्होंने लिखा, पब्लिश जो कराया इन पोएम टू वॉल्यूम्स में 1807 में गाइस इसको पब्लिश कराया गया, राइट। नाइन लाइंस की पोएम है, भले ही नाइन लाइंस की पोएम लेकिन बहुत ही गहरा असर छोड़ती है, और आप बता रहे हो टेबल टर्न, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा डियर, इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है इन लाइंस का, कि क्या कहने का मतलब है? यहाँ पाइटी का मतलब है विश्वास, डिवोशन, राइट, समर्पण, यानी ये सारे दिन कैसे जुड़ जाए, तो नेचर के प्रति जो मेरा समर्पण है, श्रद्धा है, ऐसे जुड़ जाए। बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी का डिटेल्ड वे में बैच मैंने पढ़ा रखा है, एक एक लाइन मैंने एक्सप्लेन की है। रुचि चक्रवर्ती, ऐसा क्या कर दिया भाई मैंने, ऐसा क्या कर दिया बेटा मैंने, राइट। अब क्लास तो देखनी पड़ेगी अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक लाइक द इनसेंट, लुक लाइक द इनसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट, हु सेज? ये कौन कहता है गाइस, फटाफट बता दें। लुक लाइक द इनसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट, बताएं फटाफट। इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, तो गलत नहीं करना है, फटाफट आंसर दें। या डिटेल्ड वे में आपको पढ़ाया गया है, डिटेल्ड वे में बताया गया है। यस बताएं। ओके ओके, एक बच्चा कह रहा है ठीक है, मैकबेथ, मैकबेथ, कुछ बच्चे कह रहे हैं नन, कुछ बच्चे कह रहे हैं नन। हु सेज मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो? इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ओके यस 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 यस, डी डी डी, कुछ बच्चे ओथेलो कह रहे हैं, यही तैयारी चल रही है आप लोगों की, ट्रेजेडी यही आपने पढ़ी है। ट्रेजेडीज तो बेटा मैंने चारों पेड बैच में डिटेल्ड वे में पढ़ाई है, और मेरे जो बैच के स्टूडेंट है वो तो ना ही गलत करेगा। लेडी मैकबेथ, ये लाइन कौन कहता है, तो याद रखिएगा लेडी मैकबेथ की लाइन है, एक्ट वन और सीन फाइव की लाइन है गाइज, याद रखिएगा। लेडी मैकबेथ कह रही है और मैकबेथ को समझाते हुए कह रही है कि डंकन की हत्या कर देनी है जब वे हमारे महल में आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे मन में कुछ गलत है। तुम मैकबेथ का स्वागत करो और बाहर से इनोसेंट फ्लावर की तरह दिखो, बाहर से तो इनोसेंट फ्लावर की तरह दिखो जैसे एक मासूम खिले हुए फूल में जो सांप होता है वैसे बन जाओ, यानी ऊपर से तुम्हें अच्छा लगना है, फ्लावर की तरह लगना है, लेकिन तुम्हें उसकी हत्या कर देनी है। तो नन ऑफ दीज, लेडी मैकबेथ, यस लेडी मैकबेथ कहती है, ठीक है। यस यस यस, अनु कह रही सर आपके शब्द बाण की तरह लगते हैं, अरे सॉरी बेटा सॉरी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर, व्हाट कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड व्हेन फॉर्च्यून टेक्स पेशेंस, हर इंजरी अ मॉकरी मेक्स, इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, और ये अपनी लाइफ में भी इस लाइन को उतार लीजिए, आपकी लाइफ के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो शुरू होने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से आपको बहुत मजा आने वाली है, बताएं फटाफट। वॉट कैन नॉट बी प्रिजर्व वेन फॉर्चून टेक्स पेशेंस हर इंजरी या मॉकरी मेक्स, फटाफट बताएं।
यस, आज आपका बच्चों का बहुत सम्मान बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, डी डी, काफी बच्चों का डी आंसर आ रहा है। यस 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 यस, ये लाइन कहाँ से ली गई है? किंग लियर से ली गई है, ये बात बिल्कुल सही है। याद रखिएगा एक्ट वन और सीन थ्री की लाइन है गाइस। चलिए मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं। ड्यूक टू ब्रिवेंशियो, कौन कहता है ये लाइन? ड्यूक कहता है। ड्यूक किससे कहता है? ब्रिवेंशियो। ब्रिवेंशियो कौन है बेटा, जरा मुझे इनबॉक्स में लिख के बताइए, मैंने बैच में पढ़ा रखा है आपको। लाइंस क्या कह रही है समझिए, यानी यानी जब हम भाग्य से नहीं बच सकते, वॉट कैन नॉट बी प्रिजर्व व्हेन फॉर्चून टेक, जब हम भाग्य से नहीं बच सकते तो जो भाग्य में दर्द दिए गए हैं उसे सह लेना चाहिए। यानी जब आपको पता है कि दर्द से आप नहीं बच सकते उसको सह लो, वरना इसके नुकसान से केवल हमारा मजाक ही बनेगा। पेशेंस और इंजरी या मॉकरी में, अगर आप ये भूल गए कि हमारे भाग्य में दर्द है, उन्हें सहना भूल गए, राइट, तो केवल आप मजाक के पात्र बन जाएंगे। किसके पात्र बन जाएंगे? मजाक के पात्र बन जाएंगे। यस यस यस, तो किंग लियर। यस यस, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत जगह टिक कर दिया है। हाँ, लगभग बच्चों का आंसर सही आ रहा है। यस, ओथेलो, किंग लियर गलती से टिक हो गया, सॉरी। यस, ओथेलो की लाइन है, सही है, सी विल बी द राइट आंसर। ओथेलो की लाइन है और ड्यूक कहता है ब्रिवेंशियो, मतलब एक्सप्लेनेशन सही है, टिक गलत हो गया था। या सी विल बी द राइट आंसर, लगभग बच्चों का आंसर आ रहा है। लीजिए, कुछ बच्चे बताने भी लगे किंग लियर टू ब्रिवेंशियो, क्या कर रहे हो यार आप लोग। यस, क्लियर है? तो बेटा इस तरह से पढ़ेंगे ना, तब होगा जाके सिलेक्शन, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। यस, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब मैं भी थोड़ा दर्शन आप लोगों को दे देता हूँ। काफी बच्चे कह रहे हैं सर आप कहाँ छुप गए हैं, तो मैं आपके सामने ही आ गया हूँ। चलिए बताइए बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओके, फटाफट आंसर दे दें, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। यस, फटाफट आंसर दें, क्योंकि तो मैं सामने आ जाता हूँ, तब आमने सामने का मुकाबला होता है। यस, काफी बच्चे कह रहे हैं सर आप कहाँ चले गए। लीजिए बेटा, आ गए सामने। ही सक्सीडेड डैश डेंट ऑफ परसिवरेंस एंड हार्डवर्क, बताएं फटाफट। डी, बहुत से बच्चों का डी आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों का सी आंसर आ रहा है। मतलब मैंने डी लगा दिया तो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ऑन बी बी बी, ठीक है, आइए देखते हैं। बाय डेंट ऑफ, देखिए क्या होगा यहां पर, क्या पूछा जा रहा है। ही सक्सीडेड, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट का आंसर डी आ रहा है ना, जितने भी स्टूडेंट का आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, लिख लीजिएगा कॉपी में। एक फ्रेजल वर्ब होता है बाय द डिंट ऑफ, बाय द डिंट ऑफ, ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या आएगा? बाय, बाय द डिंट ऑफ, ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है अपने दम पर, दम पर, अपने नहीं मतलब किसी के दम पर, के दम पर या बल पर, किसी के बल पर या किसी के दम पर। तो वो सफल हुआ बाय द डिंट ऑफ, वो सफल हुआ बाय द डिंट ऑफ परसिवरेंस और हार्ड वर्क के बल पर, वो सफल हुआ बाय द डिंट ऑफ। लिख लीजिएगा, माइंड में रट लीजिए इस तरह की चीजें बेटा, यही सारी चीजें आपको सफलता दिलाएंगी, इसको रट डालिए पूरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल, बाय द डिंट ऑफ। अगर आपको ये फ्रेजल वर्ब ना पता होता तो आपको मीनिंग ही समझ में ना आती, आप कुछ भी टिक करके चले आते। बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। He succeeded by dint of. ये by dint of किसी रीजन से नहीं आया, ये पूरा phrasal verb की तरह है। Moving to the next question. चलिए बताएं। People who are averse hard work do not succeed in life. Averse hard work do not succeed in life. आइए देखते हैं। By the dint of. ठीक है ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। ठीक है, निशा, दीपू, ओके, संजय कुमार, बबली, रिंकी, थैंक यू थैंक यू। टू टू टू, काफी बच्चों का टू आंसर आ रहा है। देखो पहले अवर्स का मतलब समझो क्या होता है। अवर्स का मतलब क्या होता है? रिपग्नेंट कह सकते हो आप इसको, इसको आप क्या कह सकते हैं? रिपग्नेंट कह सकते हैं, हेट कह सकते हैं, नफरत या पसंद ना होना। अवर्स का मतलब होता है ना पसंद, तो अवर्स टू होता है, याद रखिएगा, अवर्स टू। पीपल हु आर अवर्स टू, ऐसे लोग जो पसंद नहीं करते हैं हार्डवर्क को, डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, तो अवर्स के साथ हम क्या यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे, टू। तो करेक्ट प्रेपोजिशन अवर्स टू होता है, याद रखिएगा, रिपग्नेंट इसको हम कह सकते हैं, अच्छा वर्ड है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दे स्मॉदर्ड
और इस मॉदर्ड तो आपने ओथेलो में भी सुना होगा, इस मॉदर वर्ड, लेकिन वो इस मॉदर अलग है, ये इस मॉदर अलग है। वोकैबलरी पढ़ लीजिए पूरा सेंटेंस, तब आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा बेटा। बताएं, दे स्मॉदर्ड द फायर इन द बिल्डिंग, फटाफट आंसर दें। हाँ सभी लोग यार लाइक कर लो, सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा हम प्रॉब्लम में क्या है, लोगों ने समझा यूट्यूब पे ऐसे ही कुछ चल रहा है। बस अभी धमाकेदार क्लासेस स्टार्ट करते हैं ग्रामर की। यस 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 ओके, सी सी, काफी बच्चों का सी आंसर आ रहा है। देखिए स्मॉदर्ड का मतलब क्या होता है पहले समझिए। यस स्मॉदर्ड यहां पर जो सेंस है वो आग को बुझाने का है। दे स्मॉदर्ड द फायर इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में जो फायर थी उन्होंने इसको स्मॉदर्ड किया। तो देखिए स्मॉदर्ड का मतलब होता है बुझाना, राइट। इसको हम एक्सटिंग्विश कह सकते हैं, इसको हम एक्सटिंग्विश कह सकते हैं। और अगर फ्रेजल वर्ब की बात आए तो बुझाने के लिए एक फ्रेजल वर्ब आता है, आपने सुना होगा पुट आउट। पुट आउट अगर फ्रेजल वर्ब की बात करें, फ्रेजल वर्ब की बात करें तो पुट आउट का मतलब भी होता है आग को बुझाना। तो दे स्मॉदर्ड यहाँ पे जो करेक्ट मीनिंग होगा, तो याद रखिएगा अच्छा वर्ड है डॉज्ड, आपने सुना होगा डॉज्ड का मतलब भी होता है आग को बुझाना, तो याद रखिएगा डॉज्ड, डॉज्ड का मतलब होता है आग को बुझाना। ओके क्लियर है दिनेश जी? हाँ थैंक यू थैंक यू। डॉज्ड का मतलब भी होता है आग को बुझाना। तो जितने बच्चों का आंसर आया है सी, बिल्कुल सही है, बाकी सारे कट जाएंगे, कोई सेंस नहीं है। स्मॉदर्ड का मतलब एक्सटिंग्विश भी होता है, पुट आउट फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है आग को बुझाना, और डॉज्ड हो सकता है एक नया वर्ड आपको पता चला। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये शायद वोकैबुलरी के दृष्टिकोण से ये वर्ड आपको नया पता चला है। ही गिबस लुक्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हिज गिबस लुक, उसका जो गिबस लुक है ना वो दूसरों से उसे अलग करता है। तो गिबस का मतलब क्या होता है बताएं फटाफट। यस 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 यस, फटाफट आंसर दे दें। कैसी लग रही है क्लास डियर, आप ये जरूर बताएं, क्लास आप सभी को कैसी लग रही है आप जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। हिज गिबस लुक्स मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है बेटा, कभी भी कमजोर नहीं रहेगी अब। सी 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 सी, सिप्रा पांडे, पूनम, ठीक है ओके सी सी, काफी बच्चों का सी आंसर आ रहा है, बस कर दी गलती। तो जितने भी बच्चे वोकैबुलरी तैयार कर रहे हैं फिर से एक बार तैयार कर लें, बहुत से लोगों ने हो सकता है फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना हो। ईमानदारी से बताइए कितने बच्चे गिबस को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो गिबस का मतलब जानते क्या होता है, जिसमें स्वेलिंग आ रखी हो, कोई चीज बाहर निकली, ऐसे मैं ऐसे हो जाऊं, ऐसे मैं चलने लगूं तो मेरा पीछे का भाग है ना गिबस हो जाएगा, राइट। गिबस लुक्स, गिबस एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव का, लुक्स यहाँ नाउन है, लुक्स यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। तो गिबस का मतलब होता है झुका होना, निकला होना, जैसे कुबड़ा निकला होना होता है ना। इसको बेटा देखिए इसके लिए एक वर्ड होता है, याद रखिएगा प्रोट्रूड, इसको कह सकते हैं प्रोट्रूड कह सकते हैं, इसको स्वॉलन कह सकते हैं, स्वॉलन कह सकते हैं, निकला होना, बाहर आ जाना कोई चीज, उसे कहते हैं। तो गिबस, तो इसके लिए जो करेक्ट सिनोनिम है, करेक्ट सिनोनिम है वो हॉन्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा हॉन्ज। यस ए विल बी द राइट आंसर, हॉन्ज। यस तो हॉन्ज याद रखना हो तो हंस याद रखो, हंस जो है बड़ा हॉन्ज लगता है, ऐसा लगता है हॉन्स, हॉन्ज लगता है, झुका हुआ लगता है, निकला हुआ लगता है, धीरे चलता है ना। तो गिबस लुक, उसका जो हॉन्ज लुक था वो दूसरों से उसे अलग करता है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है, याद रखिएगा गलत नहीं करना है। यस ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट, प्रोट्रूड कह सकते हैं, स्वॉलन कह सकते हैं। यस क्लियर है, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू, आपको इसमें वन की पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है डियर, यहाँ पर वन की पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है कि वन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, फटाफट आंसर दें और कर लें भैया जोर तरीके से लाइक। यस जोरदार तरीके से लाइक करें आप लोग। पूनम शुक्ला थैंक यू, राजीव कुमार ठीक है, संदीप कुमार कटियार सी, कुछ बच्चे एडजेक्टिव बता रहे हैं, कुछ बच्चे प्रोनाउन बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, एडवर्ब बता रहे हैं, चंद्रशेखर, डी डी डी, बहुत से बच्चों का डी भी आंसर आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बताए दे रहा हूं क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए।
आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, राइट, मैं आइसक्रीम लेना चाहूंगा, आइसक्रीम की बात हो रही है। आर यू हैविंग वन टू, यहां वन बताइए किसके लिए आ रहा है, वन का यहां मतलब क्या है, क्या तुम भी एक लेना चाहोगे, ये वन क्या है, ये वन बेटा आइसक्रीम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आइसक्रीम की ही बात कर रहा है। और आइसक्रीम डायरेक्ट तो नहीं आया है, आइसक्रीम तो नाउन होता है, नाउन की जगह जो वर्ड आता है वो प्रोनाउन कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोनाउन, तो ये वर्ड प्रोनाउन, ये वर्ड यहां पर क्या है, प्रोनाउन है, बी विल बी द राइट आंसर। जितने बच्चों का आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही है, क्या होगा बी, अरे पगला हो एडजेक्टिव बता रहे हैं, मतलब करण की जगह अगर ही आ गया तो ही एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया बेटा। आई हैव वन पेन, आपने कहा आई हैव वन टू, मैंने कहा आई हैव वन पेन, मेरे पास एक पेन है, आपने कहा आई हैव वन टू, तो आपने वन के बाद टू बोला है, मैंने वन के बाद पेन बोला, मेरा वन एडजेक्टिव है, लेकिन तुमने बोला आई हैव वन टू, मेरे पास भी एक है, तो ये एक क्या है, पेन ही, तो आपका प्रोनाउन है, ठीक है। या जितने बच्चों का आंसर प्रोनाउन आ रहा है बिल्कुल सही, फाइन, यस 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 यस, थैंक यू आप जुड़े रहे। ये आज का बेटा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु रोट द नॉवेल फ्रैंकस्टीन, ये बेटा आज आपको इनबॉक्स में आंसर देना है, मतलब क्लास खत्म होने का वीडियो पर कमेंट करना है, रेड, तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। क्लास कैसी लगी आप जरूर फीडबैक दीजिएगा, 9613947257 पर एडमिशन ले सकते हैं आप, और प्रैक्टिस सेट के लिए जिसको एडमिशन लेना हो, टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 399 रुपए, 399 मिनिमम फीस है, तो नॉर्मली एक चार्ज है केवल काम करने का, कोई आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा है, लगभग 40-50 सेट इसमें मिलेंगे आपको, राइट, एग्जाम तक, और पीडीएफ भी मिलेगी, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए यही फीस है, ठीक है। चलिए आप जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके ओके ओके, थैंक यू। यहां पे आंसर नहीं देना है, यहां आंसर नहीं देना है, नहीं, पेड बैच में जो बच्चे हैं उन्हें नहीं लेना है, जो पेड बैच में है उनके लिए फ्री है बेटा, पेड बैच में तब क्यों आप पेमेंट करेंगे, जो नए बच्चे फ्रेशर लेना चाहते हैं, ठीक है। और वोकैबलरी सभी के लिए फ्री है, तो वोकैबलरी जो बच्चे जिनको वोकैबलरी में प्रॉब्लम हो रही थी, सभी के लिए वोकैबलरी हमने बिल्कुल फ्री कर दी है, उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, ये देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये फिर से आप लोग स्टार्टिंग में एक बार देख लीजिए, ये देखिए बेटा, ठीक है। वोकैब निदान के नाम से मैंने यूट्यूब पर सीरीज चला रखी है, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप हमारा इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से, आप जुड़ जाइए, इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देना। चलिए आप जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, यूं ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, बाय बाय।